नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। स्वागत है आज के 3 मिनट 10 बड़ी खबरों में। आइए देखते हैं खबरें। स्वीडिश कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना बनाई दुनिया की पहली स्टील। ये स्टील हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनी है, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म रहित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। कृत्रिम झील के टूटने से अचानक आई बाढ़ के कारण लद्दाख में पुल व फसलें हुई क्षतिग्रस्त। बकौल अधिकारी, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, फिलहाल जांच अभियान जारी है। पूर्व राज्यसभा सांसद ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त। ला गणेशन बोले, बहुत उत्साहित हूं, मैं भारत में कहीं भी काम करने को तैयार हूं। बता दें कि ला गणेशन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अलावा पार्टी में कई अन्य पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। सिंधिया की यात्रा के लिए बीजेपी के झंडे के रंग में रंगा गया घोड़ा। कार्यवाही की हुई मांग। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल्स ने पशु क्रूरता को लेकर शिकायत की है। फिलहाल पुलिस घोड़े के मालिक की कर रही है तलाश। भारत पहुंचने पर फफक फफक कर रो पड़े अफगानी सिख सांसद। बोले, हमारे अफगानिस्तान में सब खत्म हो गया। बता दें कि हिंडन गाजियाबाद पर उतरे विमान में 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग सवार थे, इसी में सिख सांसद आए। श्रीलंकाई नौसेना ने फिर बरसाए भारतीय मछुआरों पर पत्थर। 60 नौकाएं हुई क्षतिग्रस्त। नाव सवार लोग कल देर रात कच्चा तीबू के पास मछली पकड़ने पहुंचे थे, जहां ये पथराव हुआ। यूनिसेफ की रिपोर्ट में खुलासा, भारत सहित दुनिया के 1 अरब बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा। रिपोर्ट में आए गंभीर आंकड़ों के मुताबिक आने वाले समय में भारत में 60 करोड़ से अधिक बच्चे गंभीर जल संकट से जूझने को मजबूर होंगे। टला संकट, पृथ्वी के करीब से गुजरा खतरनाक क्षुद्र ग्रह। नासा ने 2016 AJ-193 से बताया था खतरा। साथ ही नासा ने बताया कि अब करीब 65 वर्ष बाद यानी 19 अगस्त 2080 को ये धरती के करीब से गुजरेगा। बिहार के राजनीतिक दलों के अंदर हो रही सियासत। सत्तारूढ़ से लेकर विपक्षी पार्टी में सक्रिय है दो गुट। कहीं भाई भाई भिड़े तो कहीं पूर्व वर्तमान अध्यक्ष अपना वर्चस्व कायम करने में लगे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि मानसूनी ट्रफ के पश्चिमी छोर के 23 अगस्त से धीरे धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।